आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए कैरियर काउंसलिंग के लिए लेके आ रहे हैं हमारे साथ एक खास मेहमान आज जुड़ेंगे। हाँ, नमस्ते मैडम जी। हाँ, आज मैं सभी व्यूअर्स के सामने लेके आ रहा हूँ कॉमर्स की एक महान हस्ती, जो कि हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय पुंडरी के अंदर। HOD है ये कॉमर्स विभाग के, और ये आज आपको कॉमर्स में प्लस टू के बाद आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं, उसके विषय में आपसे रूबरू होंगे। किसी भी विद्यार्थी या कोई भी प्रश्न है, क्वेश्चन है, कोई भी बात ये पूछना चाहता है कोई भी विद्यार्थी, तो कृपया वो आप लाइव आकर के अपने कमेंट बॉक्स में अपनी बातें डाल सकते हैं, ताकि हम मैम से उन बातों के बारे में रूबरू होकर के उनसे बात ये पूछ सके कि किस प्रकार से विद्यार्थी अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने विषय में सक्सेस ये प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका स्वागत है मैडम जी हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस बाउंड्री में, और हम चाहेंगे कि आप हमारे विद्यार्थियों को ये गाइड करें कि किस प्रकार से वो अपने कैरियर में आगे बढ़ पाएंगे और किस प्रकार से वो अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। जी
अरे हाँ डॉक्टर साहब, एक बार रोकना चाहूंगा आपको मैं, डॉक्टर साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा। मुझे लगता है आपके माइक की आवाज में कोई समस्या है। हाँ नहीं, माइक की आवाज आपकी मेरे पास आ रही है लेकिन पब्लिश नहीं हो पा रही है। नहीं अब भी आवाज आपकी पब्लिश नहीं, आवाज अब भी आपकी नहीं, अब भी आवाज आपकी पब्लिश। जी मैडम जी, जी डॉक्टर साहब, मेरे पास आवाज क्लियर है लेकिन यूट्यूब में जब मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्लियर तो चलिए बोलो, मैं अपने माइक ऑन कर देता हूँ अपने लैपटॉप का, देन करते हैं। चलिए हाँ वो गूंज इसलिए रही है, इसलिए गूंज रही। मैंने लैपटॉप का कैम लैपटॉप का स्पीकर ऑन किया है मैंने, इसलिए वो थोड़ा सा आवाज गूंजने की आपको लग रहा है। मैं देख रहा हूँ अपनी, नहीं आवाज की क्लियरिटी नहीं है मैडम जी। हाँ माइक माइक फोन का माइक तो काम करना चाहिए ना, शुरू से। हाँ शुरू से आवाज नहीं आ रही है, वो एक कमेंट भी एक दो का आया था मेरे पास कि आवाज नहीं आ रही है। एक टाइम होल्ड रखिए, मैं फोन में चेक कर लेता हूँ।